तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक और साइकिल सवारों को रौंदा। बता दें कि हादसे में छात्र की मौके पर मौत। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है संभल से। बता दें कि जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया गया है। जामा मस्जिद में हरी मंदिर होने का दावा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की संभल से। बता दें आपको, वकील विष्णु शंकर जैन ने पेश किया था दावा, जिस मामले में जिला कोर्ट में दावा पेश किया गया था और साथ ही स्वीकृति मिल गई है सर्वे होने की। तो संभल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया गया है। तो जामा मस्जिद में हरी मंदिर होने का दावा किया गया था। विष्णु शंकर जैन ने इसको लेकर दावा पेश किया था, जिस मामले में सर्वे करने के आदेश दे दिए गए हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह दावा पेश किया था कि हरी मंदिर है जामा मस्जिद में, जिसके बाद कोर्ट में याचिका डाली गई थी। और आप बता दें कि जिला कोर्ट में यह दावा पेश किया गया था, आदेश भी दे दिया गया है सर्वे होने का। संभल से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया गया है। तो विष्णु शंकर जैन की तरफ से दावा पेश किया गया था और जामा मस्जिद में हरी मंदिर होने का दावा किया गया था। वकील हमारे साथ में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर सर। जी नमस्कार। देखिए, आपकी तरफ से दावा पेश किया गया है यहाँ पर हरी मंदिर के होने का, उसके बाद आदेश भी दे दिया गया है सर्वे को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहला ही कदम है इस तरफ? ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कदम है और महत्वपूर्ण कदम है। सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और 1529 में बाबर ने जगह को पार्टली डिमोलिश करके जामा मस्जिद के रूप में उपयोग करने का कोशिश किया। और इसीलिए यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार होने, कल की अवतार, वो इसी जगह पे होने जहाँ पे हरिहर मंदिर बनाया गया था। और उसको गलत ढंग से बाबर ने 1529 में तोड़ा। इसका जिक्र भी बाबर नामा में मिलता है। और आज इसी बात को लेकर आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सिविल सूट फाइल किया था, जिसे एक दीवानी दावा कहते हैं। और उसके बाद आज माननीय सिविल जज सीनियर डिविजन संभल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज इसमें आदेश जारी किया है और एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है और उनसे कहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये सर्वे कब तक होने की उम्मीद हम जताएं जैन साहब? अब देखिए, ये तो एडवोकेट कमिश्नर और प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में हमने प्रशासन को और एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट के ऑर्डर की जो सूचना है वो अवगत करा दी है। अब आगे देखते हैं कि कैसे आगे कमीशन बढ़ता। अब क्योंकि देखिए, इस तरह के हम लगातार कई मामले देख रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो या फिर यहाँ पर मथुरा का मामला हो और अब ये जामा मस्जिद का मामला है। अब क्योंकि यहाँ पे सर्वे को लेकर आदेश दे दिया गया है, क्या विपक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई यहाँ पर अड़चन लगाई जा सकती है सर्वे से पहले? ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ये ऑप्शन है? देखिए, ये तो मैं उनकी तरफ से, वो क्या ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे ये तो उनके वकील साहब उनको बेटर गाइड कर पाएंगे। जो मेरे पुख्ता प्रमाण है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें, जी बोलिए, बात पूरी कीजिए, जो गौर करने वाली है कि आईने अकबरी में और साथ ही साथ जो अकबर बाबर नामा है उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पे मंदिर था हरिहर मंदिर और उसको तोड़ा गया। लेकिन जैन साहब एक बात और, क्योंकि देखिए ये कई बार सुनने को भी मिलता है और ये कहा भी जाता है लोगों की तरफ से कि हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद कीजिए, ये बात आपने सुनी होगी। अब क्योंकि जामा मस्जिद का यहाँ पे कह रहे हैं कि मंदिर में मस्जिद ढूंढना बंद करिए, जहाँ मंदिर हुआ करता है उसको मस्जिद के रूप में उपयोग करना बंद करें। लेकिन क्या यहाँ पे जो एक्ट की बात की जाती है कि 1992 के आसपास का जो वो एक्ट है उसके अगर हम अंडर हम देखें तो क्या ये ठीक होगा, ये आगे प्रोसीडिंग इस पर होगी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संभल का ये डिस्प्यूटेड एरिया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये ASI प्रोटेक्टेड एरिया है। आप जान के हैरान हो जाएंगी और मेरे को ऑन रिकॉर्ड में आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ASI भी यहाँ पे अभी नहीं जा पा रही है। ASI को भी बाहर कर दिया गया। तो ASI प्रोटेक्टेड अगर कोई एरिया होता है, नोटिफाइड होता है, इसका सीरियल नंबर 250 है ASI के नोटिफिकेशन में, तब वहाँ पे जिस एक्ट का भी आप जिक्र कर रही है, पूजा स्थल अधिनियम एक्ट 1991, वो वहाँ पे लागू ही नहीं होता है। ये एक्ट में ही लिखा हुआ है सेक्शन 4(3) में। ठीक है, अब जब एक्ट ही लागू नहीं होता है तो फिर उसकी एक्ट की बात ही नहीं आती।
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये जो केस है आगे किस तरफ किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पहली जीत तो आपकी तरफ हुई है, ये तो दिख रहा है। नहीं, ये केस जीत की बात नहीं है, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। और जो वहाँ पे मंदिर के प्रमाण है, प्रूफ है, जो वहाँ पे इतिहास में जातियां हुई हैं, किस तरह से हरिहर मंदिर को बर्बरता पूर्ण तरीके से तोड़ा गया है, ये सारी बातें उसका जो साक्ष्य उठाने का काम है वो हम लोग करेंगे। अगर मैं यहाँ पर प्रमाण की बात करूं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि अकबरनामा जो है उसमें भी देखने को मिला है, लेकिन क्या जामा मस्जिद में अंदर इस तरह की कोई भी आकृति है या कोई भी इस तरह का प्रमाण है कि यहाँ पर मंदिर था? अगर हम इन